स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। हेलो, मुझे आपसे अभी मिलना है, प्लीज। बहुत जरूरी काम है मुझे आपसे। हाँ जी, वहीं पे जी, जहाँ पहले मिले थे। थैंक यू। रोमी, क्या हुआ? कुछ नहीं मीका, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। अभी इतना लेट? तुम सो जाओ ना प्लीज। सॉरी, सब लोग परेशान है, मैं यहां से चली जाऊंगी। सब लोग इतने सीधे हो, मैं कर क्या रही हूँ? मुझे खुद से समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कर रही हो किरण? बालम, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सब क्या है, कहाँ जा रही है? बालम, मैं और किसी को तकलीफ नहीं दे सकती हूँ। मेरे चक्कर में पहले ही तुम लोग सब लोग बहुत परेशान हो चुके हो। अब और नहीं देखी जाती मुझसे आप लोगों की ये तकलीफ। ऐसा नहीं है बाला, तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे नहीं रहना। क्या बोल रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? किरण, यू हैव टू काम डाउन, प्लीज काम डाउन। अरे मैं तुम्हें क्यों डिवोर्स दूं? क्योंकि बाला, मेरे चक्कर में आपकी जिंदगी। जब मुझे पता है कि तुम गलत ही नहीं हो, तुम बिल्कुल सही हो, डिवोर्स देने का तो मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि बाला, मेरे चक्कर में आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी सवर जाएगी? किरण, तुम मेरे बच्चों की माँ हो। अरे तुम चली जाओगी तो मेरी फैमिली अधूरी रह जाएगी। काम डाउन किरण, काम डाउन। बैठो यहाँ, बैठो आराम से। किरण, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर दोज टाइम्स जहाँ हम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना होगा, तभी इसे पार कर पाएंगे, नहीं तो दोनों जन इसमें डूब के रह जाएंगे। किरण किरण, आई लव यू, मैं तुम्हें ऐसे में अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। अब क्या सवाल पूछने आया किरण सर? देखो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है या पूछना है उससे बात करो। मैं किरण का शुक्रिया अदा करने आया। किरण, थैंक यू। तुम अगर सही वक्त पर पापा जी का इलाज नहीं करवाते तो आज शायद हम पापा को हमेशा के लिए खो देते। तुम्हारा ऐसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, इसके लिए जितना शुक्रिया अदा करूंगा मैं। थैंक यू। इसका मतलब किरण इनोसेंट है? किरण इनोसेंट तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात का शुक्रिया अदा करने आया था कि इसने जो एहसान हम पे किया ना, हम पूरी जिंदगी उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। लेकिन साथ ही इस बात को नहीं झुटला सकता कि सोनाक्षी की मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं भी किरण है, और इस बात के लिए शायद इसे कोई माफ नहीं कर पाएगा, ना हम ना कानून। वाह वाह, नेकी करो और दरिया में डाल, ये बात हम लोगों ने सिर्फ सुनी थी आज तक, आज देख भी ली। देखा तुमने, नेकी करने का नतीजा, पहले ये लोग तुम्हें जेल में डलवाते, फिर उसके बाद जब बाहर आ जाती हो तो घर पर आते हैं स्पेशली थैंक यू बोलने के लिए। क्यों की तुमने इन लोगों की मदद? हाँ, क्यों इनके पापा जी की जान बचाई? हाँ, क्यों दिए इन लोगों को पैसे? पैसों से मुझे याद आया, तुम पैसे कहां से लाई थी? जहां तक मुझे याद है सेविंग्स तो नहीं थी तुम्हारी। हाँ, ज्वेलरी बेची थी ना अपनी ज्वेलरी बेची थी इसने आपके पापा जी की मदद करने के लिए, पर बदले में इन लोगों ने क्या किया? किरण, तुमने कैसे एहसान फरामोश लोगों की मदद की है, जो जब तुम्हें जरूरत पड़ी तो पल्ला झाड़ के निकल गए। जी, जो अगर रमन एहसान फरामोश होते ना तो हम यहाँ थैंक यू बोलने नहीं आते किरण को।
किरण की अच्छाई एक तरफ है जिसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, पर इसने जो गलत किया है वो गलत है। इसके कारण लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है, किसी ने आत्महत्या की है। आप कह रहे थे अम्मा अप्पा से कि आप उस इंसान को ढूंढ निकालोगे जो किरण को ब्लैकमेल कर रहा था, तो आप ढूंढो। हम खुद यही चाहते हैं कि हम उस इंसान को पकड़ें, उसे सजा दिलवाएं। हमें मालूम है कि किसी और का हाथ है इस रैकेट के पीछे जो किरण के साथ मिला हुआ था। अगर किरण को जरा भी शर्मिंदगी है, ऐसे लग रहा है कि इसने किसी के साथ गलत किया है, तो हमें बताए ना कि कौन है वो इंसान। ये क्यों छुपा रही है उसे, उसके बारे में हमें क्यों नहीं बता रही है कुछ भी? कुछ तो बोलो। देखो चुपचाप खड़ी है, ये कुछ बताने को तैयार नहीं है। Enough. अगर किरण नाम नहीं बताना चाहती तो उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता। I'm already working on it. मैं उस आदमी तक पहुंच के रहूंगा, फिर वो जो भी आदमी हो उसे जमीन फाड़कर बाहर निकालूंगा। क्या हुआ, क्या सोच रही? जहां से शुरू किया था वहीं आके अटक गए। हमें लगा था कि हम लॉयर से मिलेंगे, कोई क्लू मिलेगा, लेकिन नहीं, असली कल्प्रिट तक तो हम एक्चुअली पहुंच नहीं पाए जो किरण के साथ मिला हुआ है। पापा जी ने बेल कराई किरण की। मुझे ये तो समझ में आ रहा है रमन की किरण बुरी इंसान नहीं है, पर कोई तो है जिसे वो प्रोटेक्ट कर रही है, और जब तक वो बोलेगी नहीं हम पहुंचेंगे कैसे उस तक? मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी हो सकती है कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। रात बहुत हो गई, जो करना है कल सुबह करेंगे। I mean, I really want कि ये मसला जल्दी से जल्दी सुलझ जाए। बाला जीजू के साथ हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, मैं वो नहीं चाहती। I just hope कि things don't get any worse. किरण दोषी है बाला, उसने कुछ तो ये लीगल किया है। अगर किरण को जरा भी शर्मिंदगी है, ऐसे लग रहा है कि इसने किसी के साथ गलत किया है, तो हमें बताए ना कि कौन है वो इंसान। ये क्यों छुपा रही है उसे, उसके बारे में हमें क्यों नहीं बता रही है कुछ भी? हेलो, मुझे आपसे अभी मिलना है, प्लीज। बहुत जरूरी काम है मुझे आपसे। हाँ जी, वहीं पे जी, जहाँ पहले मिले थे। थैंक यू। रोमी, क्या हुआ? कुछ नहीं मीका, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। अभी इतना लेट? तुम सो जाओ ना प्लीज। सॉरी मीका, आई एम रियली सॉरी। मुझे इस वक्त जाना पड़ रहा है, पर प्लीज डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया कि तुम्हें इतना लेट जाना पड़ रहा है? वो एक्चुअली एक क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, उनका फोन आया, वो कल आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो रात को ही मिलना पड़ रहा है। बाय। थैंक गॉड मीका ने मेरा झूठ नहीं पकड़ा। एनीवे, मुझे आज रात किसी भी तरह इस मैटर को सॉर्ट आउट करना है, किसी भी तरह। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।